तो ये गाइज यहाँ पर अगर आप लोग Redmi Note 7 सीरीज का डिवाइस यूज़ करते हो तो गाइज यहाँ पर इंडिया में तो अभी तक एक न्यू अपडेट भी देखने के लिए नहीं मिला है। MIUI 12.5 अपडेट को लेके काफी सारे यूजर वेट कर रहे हैं। गाइज यहाँ पर Redmi Note 7 सीरीज को लेके गुड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर Redmi Note 7 सीरीज में भी MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ इंडिया में तो अपडेट नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर कल इसको रशिया में और यूरोप में भी रिलीज कर दिया गया Redmi Note 7S में। जी हाँ, Redmi Note 7 में MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट है, जो कि कल रशिया में देखने के लिए मिला है और इसके साथ साथ यूरोप में भी रिलीज कर दिया गया। तो यहाँ पर अब ग्लोबल साइड में और भी काफ़ी सारी कंट्री में अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, तो इसका मतलब अभी अपडेट आप लोगों को इंडिया में भी बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि इंडिया में सभी यूजर को अपडेट कब से मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि इंडिया में अभी तक अपडेट नहीं मिला, ना ही कोई सिक्योरिटी पैच अपडेट, ना ही MIUI 12.5 का अपडेट। काफ़ी यूजर वेट करे कब तक मिल सकता है। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, सेप्टेम्बर के एंड तक वेट करो। सेप्टेम्बर के एंड तक रेडमी नोट 7 सीरीज में भी इंडिया में MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ग्लोबल साइड में तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो यहाँ पर इसके साथ साथ कल यूरोप और रशिया में भी मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो इसका मतलब अभी यहाँ पर ये अपडेट इंडिया में भी एनी टाइम देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन आप लोग सेप्टेम्बर एंड तक वेट करो और जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। इसलिए गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक भी जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लाल बटन सब्सक्राइब भी का उसको प्रेस कर देना, ताकि जैसे अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा भले ही पायलट यूजर को मिलेगा तो यहाँ पर मैं आप लोग को वीडियो के जरिए भी इन्फॉर्म कर दूंगा। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो जितने भी यूजर Redmi Note 7 सीरीज के थोड़ा सा और वेट करो, अपडेट आएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।